हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 20 जून 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे द हिंदू, पीआईबी और न्यूज़ ऑन एआर और आरएस टीवी की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे डिस्कशन की तरफ, पहला जो आर्टिकल है उसको देखते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल आ जाए वो आया है इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम के बारे में। आईबीपीएस जो स्कीम है इसके बारे में कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को या इस स्कीम को और ज़्यादा आगे ले जाने के लिए अभी काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं वो उठाए हैं। अब मिनिस्ट्री कौन से इसके लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, इसके साथ क्या क्या इसके फीचर्स वगैरह वो हम देखेंगे। तो देखो, बात ऐसी है कि आपको पता है कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने मेनली डिजिटल इंडिया कैंपेन चलाया था कि सब कुछ डिजिटल करना है और इसी के तहत इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का ही एक पार्ट है इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम। अब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई बीपीओ होता क्या है। बीपीओ का मतलब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब कोई भी बिजनेस होता है उसको अगर आगे डेवलप करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए कोई ना कोई हमें प्रक्रिया करनी होगी ना। जैसे देखो, काफ़ी सारे बिजनेस होते हैं, उनमें आपको पता है कॉलिंग सर्विस वगैरह होती है, कॉल सेंटर वगैरह होते हैं। तो आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो बीपीओ सर्विस का, वो है कॉल सेंटर। तो ऐसी जो सर्विसेज होती हैं इनको कहा जाता है मेनली बीपीओ टाइप की सर्विस। तो अभी गवर्नमेंट इस सेक्टर में काफ़ी सारी स्कीम्स वो लेके आ रही है और लगभग 1.5 लाख के आसपास वैकेंसीज भी यहाँ आने वाली हैं। तो वो सारा कंटेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है। मिनिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है इलेक्ट्रिकल एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डीटी जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे काम करेगी। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो दोनों मिलकर इस सेक्टर में यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो हमें इसको ध्यान रख के चलना है अच्छे से कि भाई कौन कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे काम करने वाली है। ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इस स्कीम में एक दो पॉइंट ये भी बताए गए हैं, जैसे इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी फोकस है वो ज़्यादा किया जाएगा। इसके साथ कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं, जैसे कि जो हिली एरिया हो गए जिसमें हिमाचल प्रदेश आता है आपका, जम्मू एंड कश्मीर आता है, उत्तराखंड आता है, इन स्टेट पर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस है वो किया जाएगा। और लोकल इंटरप्रेन्योर्स हैं इनको थोड़ा ज़्यादा मौका दिया जाएगा ताकि अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो इसी के द्वारा ये गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव था जो मैंने आपको बता दिया इसके मेन जो फीचर्स वगैरह थे। तो यूपीएससी एक तो मिनिस्ट्री पूछेगी, तो मिनिस्ट्री हमें पता ही, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। बाकी इसका जो बेसिक फीचर्स है मैंने आपको बता दिए हैं। अभी गवर्नमेंट ने इसके लिए वैकेंसी वगैरह है उनकी स्टार्टिंग वगैरह की है। तो ये इसके बारे में जो पॉइंट्स वगैरह थे। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया हुआ है बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में, तो ट्रिपल बी के बारे में जो आर्टिकल है उसको देखते हैं। कंटेक्स्ट कुछ अभी इस प्रकार है कि अभी नए जो अपॉइंटमेंट वगैरह हैं उनके बारे में अप्रूवल वगैरह को लेके इन्होंने कुछ अपने सजेशंस वगैरह दिए हैं। तो हम इसे देखते हैं बॉडी के बारे में। देखो, बैंक बोर्ड ब्यूरो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि 2016 में बनाई गई थी। एक आरबीआई के द्वारा कमेटी बनाई गई थी उस टाइम पे, नायक कमेटी, और उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन में बताया था कि भाई एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाने की जरूरत है जिसका नाम था बैंक बोर्ड ब्यूरो, और उसी के आधार पर इसका निर्माण है वो किया गया था। तो नायक कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑटोनॉमस बॉडी है, 2016 में बनी है। तो ये भी यूपीएससी पूछ सकती है कि कुछ ही सालों में या रिसेंटली वगैरह बनी है, तो जी हाँ बिल्कुल बनी हुई है, ज़्यादा पुरानी बॉडी नहीं है। अब बात आती है आगे कि इसका काम क्या होगा, किस तरीके से काम वगैरह करेगी जो वगैरह। देखो, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था इंद्रधनुष प्लान। वो इंद्रधनुष प्लान था वो एक्चुअली बैंकों में रिफॉर्म लाने के लिए था, ये आपको बता दूं। इसके अलावा एक अलग भी था मिशन इंद्रधनुष था, वो था हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। जबकि इंद्रधनुष प्लान है वो था बैंकों को ढंग से, मतलब उनकी जो गवर्नेंस है उनको इंप्रूव करने के लिए। ये मेनली जो गवर्नमेंट ओन बैंक होते हैं ना, मतलब पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनको एक्चुअली आगे डेवलप करने के लिए, उनकी हालत है उसको ठीक करने के लिए इसको स्टार्ट है वो किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना कि इंद्रधनुष प्लान के तहत ही बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसका निर्माण यहाँ पे किया गया है। काम क्या है इसका? इसका काम ये है, एक तो गवर्नमेंट को एडवाइस वगैरह देना, इसके साथ जो बैंकों में टॉप लेवल की जो अपॉइंटमेंट वगैरह होती है ना उनमें ये सजेशंस वगैरह देते हैं गवर्नमेंट को कि भैया आप इन लोगों को अपॉइंट हो कीजिए। बाकी जो अपॉइंटमेंट का अप्रूवल का काम होता है वो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है उनके द्वारा किया जाता है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के चेयरमैन कौन होते हैं वो आप चलो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आज आपका पहला होमवर्क है। इसके बाद में दूसरा इसका काम होता है बैंक बोर्ड ब्यूरो का, वो ये है कि ये कैपिटल राइजिंग प्लान वगैरह, मतलब कोई भी बैंक वगैरह है गवर्नमेंट का उसकी हालत वगैरह थोड़ी ठीक ठाक नहीं है, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा ठीक वगैरह करना है, कहीं ना कहीं खस्ता हालत चल रही है, तो उन सबको इम्प्रूव करने के लिए कैपिटल राइज को बढ़ाना है, तो उसके लिए प्लान वगैरह सजेशंस वगैरह देने का काम किसके द्वारा किया जाता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स आपको ध्यान रखने। नायक कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंद्रधनुष प्लान इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखना इंद्रधनुष प्लान अलग है और मिशन इंद्रधनुष अलग है। मिशन इंद्रधनुष हेल्थ की है और इंद्रधनुष प्लान है वो है बैंकों को ठीक करने के लिए, इनकी गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी, बीपीओ प्रमोशन स्कीम। तो उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि लोकल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करना है, हिली एरिया पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, स्पेशल इनिशिएटिव दिया जाएगा वुमेन को वगैरह
वो सारे पॉइंट हमने देख लिए। नेक्स्ट जो हमारा अगला आर्टिकल आता है वो आता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो इसके बारे में जो आर्टिकल है इसे हम देखने वाले हैं। अभी रिसेंटली 17 जून को कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे है वो मनाया गया था पूरे वर्ल्ड में। होस्ट किसके द्वारा किया गया था? यह होस्ट किया गया था इक्वाडोर के द्वारा। अब इक्वाडोर की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑब्वियसली, और इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? थीम। तो थीम इसकी वो है लैंड हैज ए ट्रू वैल्यू इन्वेस्ट इन इट। तो ये इसकी थीम है, ये हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम देखते हैं सबसे पहले इक्वाडोर की लोकेशन, कि वो भी काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये तो रहा हमारा प्यारा इंडिया, यहाँ पे रहा अफ्रीका, और ये आ गया हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में चलते हैं हम, ये आ गया आपका इक्वाडोर। यहाँ पे एक साइड कोलंबिया है, कल हमने कोलंबिया की लोकेशन डिस्कस की थी, यहाँ पे इक्वाडोर है। इक्वाडोर के जस्ट पास यहाँ पे पेरू है, और कोलंबिया का मैंने आपको बताया था कि इसकी एक साइड की जो है बाउंड्री है इधर वाली, ये एक्चुअली एटलांटिक ओशन को फेस करती है, और इधर इसके दूसरी साइड की बाउंड्री है वो पैसिफिक ओशन को टच करती है। यहाँ पे जो पनामा है इसके नेबरिंग कंट्री में, इसके अलावा इधर वेनेजुएला है जहाँ पे क्राइसिस वगैरह आ चुके थे, और अभी वहाँ पे बिटकॉइन की करेंसी को अलाउ कर दिया गया है, पहली मतलब लीगल करेंसी अलाउ की गई बिटकॉइन के फॉर्म में। तो ये आपको वर्चुअल करेंसी, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में यहाँ पे आता है पेरू, पेरू कंट्री है, तो उसकी लोकेशन भी आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी जो कंट्री है साउथ अमेरिका की वो है ब्राज़ील, ये उसकी लोकेशन है। यहाँ पे बोलीविया जो कंप्लीट लैंडलॉक कंट्री है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में पराग्वे है जो भी कंप्लीट लैंडलॉक्ड है, चिली लैंडलॉक नहीं है, आपको पता है यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है इस वाले एरिया में, उससे भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे अर्जेंटीना की लोकेशन हो जाती है, ये उरुग्वे है। तो मेनली आपको पता है कि यहाँ पे दो ही कंट्री लैंडलॉक्ड हैं, एक तो है बोलीविया और एक है पराग्वे। उरुग्वे लैंडलॉक नहीं है, ध्यान रखना, पराग्वे और बोलीविया दोनों लैंडलॉक्ड हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। इसके बाद में आप ये बताइए कि यहाँ पे सवाना घास के मैदान है उनका नाम क्या है? साउथ अमेरिका में सवाना घास के मैदान है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, उनका नाम बताना है, और टेम्परेट जो ग्रासलैंड कौन से हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे बताना है। टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन प्लीज करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में दोनों के नाम बताइए कि यहाँ पे ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड कौन कौन से हैं। तो इसके साथ हमारा साउथ अमेरिका का जो मैपिंग है वो भी यहाँ पे रिवाइज हो गई है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, अगली यहाँ पे जो बात आती है, हाँ इसकी तरफ चलते हैं हमारे मेन पॉइंट की तरफ। देखो बात कुछ ऐसी है कि अभी हम क्या हो रहा है कि लगातार डेजर्टिफिकेशन वो बढ़ रहा है। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई डेजर्टिफिकेशन होता क्या है। देखो जो मेन वो भूमि जिसके ऊपर मतलब पेड़ पौधे वगैरह नहीं उग पाते हैं वो मेनली डेजर्ट वाली होती है, मतलब मरुस्थल बन जाते हैं एक तरीके से। उस भूमि में कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते, बंजर टाइप की भूमि होती है ना, वो डेजर्ट की भूमि में काउंट होती है। डेजर्ट का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे बालू ही हो, वो भूमि मतलब जहाँ पे बंजर भूमि होगी, कोई पेड़ पौधे वगैरह नहीं उग रहे, वो डेजर्ट में भूमि कन्वर्ट हुई मानी जाती है। तो अभी क्यों हो रहा, हो क्या रहा है कि पूरे वर्ल्ड में क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर जो सोयल है वो लगातार उसकी क्वालिटी खराब होती जा रही है, और इसकी वजह से लगातार डेजर्टिफिकेशन है वो बढ़ रहा है। मतलब फॉरेस्ट है उनको लगातार काटा जा रहा है और वहाँ पर भूमि खराब होती जा रही है। तो इसी दिशा में कदम बढ़ाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, सभी गवर्नमेंट्स ने मिलकर कि भाई हम कहीं ना कहीं डेजर्टिफिकेशन को रोकें, और उसके लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव वगैरह भी उठाए गए हैं। इसके साथ ही और भी जो बेसिक पॉइंट है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। इसके साथ यहाँ पे एक टर्म्स आता है, वो आता है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। ये इस वर्ड को थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी पूछ सकती है कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी होती क्या है। देखो हमारी अर्थ पे काफ़ी रिसोर्सेज हैं, ये आपको पता है नॉर्मली, तो जो अर्थ के ऊपर जो प्रोसीजर चल रही है कि भाई पेड़ पौधे हैं वो अपने ऑक्सीजन वगैरह बना रहे हैं, बाकी हम अपनी आजीविका चला रहे हैं, तो जो बेसिक हमारी जो इकोलॉजिकल सिस्टम को जो चलने के लिए जो बेसिक डिमांड्स है ना जिन रिसोर्सेज की, उतने रिसोर्सेज तो एटलीस्ट कम से कम हमारी अर्थ पे होने ही चाहिए। अगर उतने नहीं होंगे तो क्या होगा, हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, हमारा इको सिस्टम है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना कि भाई इतने हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए तभी हम आगे डेवलप है या तभी हम आगे सस्टेन है कर पाएंगे, उसको कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। मतलब उतने रिसोर्सेज तो हमारे पास होने चाहिए, वो मिनिमम लैंड रिसोर्सेज जिनकी हेल्प से हम इकोसिस्टम को वर्ल्ड में एक तरह से सस्टेन कर सकते हैं या हम आगे कंटिन्यू रह सकते हैं, उतने तो हमारे पास होने चाहिए, उन रिसोर्सेज को कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। ये मतलब न्यूट्रल है कि वहाँ से अगर उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो और भी अच्छी बात है कि और ज़्यादा ग्रीनरी वगैरह होगी और ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है, पर अगर उससे कम हो गए तो हम जो जो अर्थ के ऊपर पेड़ पौधे जिंदा रह रहे हैं या हम हैं वो कोई भी जिंदा यहाँ पे नहीं रह पाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये यूनाइटेड नेशन का जो CCD है इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इसके देखो ये इसी से रिलेटेड एक्चुअली डिजर्टिफिकेशन से, तो इसे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये कन्वेंशन का मेनली काम ये था कि जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है ना उसको कहीं ना कहीं रोका जाए, क्योंकि आपको पता है कि अफ्रीका वाला एरिया और इसके साथ ही एशिया वाले एरिया में लगातार डेजर्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं, मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए ही डेजर्टिफिकेशन कॉन्वेंशन हुई थी। और इसने अभी काफ़ी अच्छा काम किया था एशिया के अंदर, और कौन से डेजर्ट में काम किया था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मंगोलिया में एक डेजर्ट है वहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था।
आई होप आप कमेंट बॉक्स में इजीली बता सकते हो। और यूएन यूनाइटेड नेशन का जो सीसीडी है, यूएन सीसीडी, इसका एक प्लान भी था, ग्लोबल एक्शन प्लान, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में थोड़ा बेसिक पॉइंट्स वगैरह आपको पता होना चाहिए, तो वो आगे हम अभी देख लेंगे। तो ये थी इसके बारे में जो बेसिक न्यूज़ वगैरह थी, वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो आई है डीआरआई के बारे में, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है हमारे लिए, वो ये है कि डायरेक्टर ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस का काम क्या है, क्या है, क्या इस तरीके से रिफॉर्म में काम गए वो अंजाम देती है। यह एक अपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसी है, बस ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि एंटी स्मगलिंग एजेंसी है। कहीं आप कन्फ्यूज हो गए यार, स्मगलिंग वगैरह के जो काम है वो तो मेरी होम मिनिस्ट्री के अंडर आते थे, नहीं भाई, यहाँ पे भी जो एंटी स्मगलिंग एजेंसी का काम है वो डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस करती है, जो कि आती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, ये आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो आप कि कौन सी मिनिस्ट्री वगैरह है, कौन सा डिपार्टमेंट है, सीबीआईटी, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल वो है कोप कनेक्ट के बारे में। तो कोप कनेक्ट है वो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो स्टेट के द्वारा बनाया गया है, तेलंगाना पुलिस के द्वारा। तो मेनली स्टेट बेस्ड प्लान है, बट फिर भी यूपीएससी पूछ सकती है क्योंकि नया इनिशिएटिव है, टाइप डिजिटली इंडिया के तहत ही है। इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि मोबाइल एप्लीकेशन जो व्हाट्सएप होता है ना, उसकी हेल्प से कम्युनिकेशन पर्पस को और ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा। मतलब पूरे स्टेट की पुलिस है वो एक साथ कनेक्ट रहेगी, ताकि आपस में कम्युनिकेट वगैरह कर सकें और जो भी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को आदान प्रदान करनी हो वो ग्रुप वगैरह के थ्रू की जा सके। तो ये कुछ इसके बेसिक फीचर्स हैं, तो यूपीएससी पूछ सकती है कोप कनेक्ट के बारे में कि है क्या, तेलंगाना पुलिस का एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है वो है आईसीडी 11 के बारे में, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11 है क्या है? ये एक नए स्टैंडर्ड है जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा अभी बनाए गए हैं। देखो ग्लोबल हेल्थ होती है ना, उसको इन्फॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड होने चाहिए ना, कि तभी हम अच्छे से किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं। तो ग्लोबल हेल्थ इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड है वो बनाए गए हैं अभी WHO के द्वारा। किस किस के लिए ये बनाए गए हैं, मोर्टेलिटी और मोबिलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, और मोबिलिटी का मतलब होता है विकृति, मतलब टूट फूट जैसे लूला वगैरह होना, या फिर क्या है कि बॉडी का किसी कोई पार्ट वो अपंग हो जाना, या फिर जैसे किसी और को भी बॉडी का कोई भी इशू वगैरह, मतलब विकृति तो आप समझ रहे हो ना वो। तो इन डाटा के आधार पे नए इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है वो बनाई गई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आईसीडी 11 है क्या, WHO के द्वारा नए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिसमें क्या क्या काउंट होगा, मृत्यु दर और मोबिलिटी है, इन दोनों के डाटाओं को काउंट है वो किया गया है। इसके साथ ही इसमें और चीज़ें भी नहीं ऐड की गई हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि नया स्टैंडर्ड है तो इसमें कुछ और भी इम्प्रूव किया गया है। जैसे कि एक तो इसमें इम्प्रूव कर दिया गया है कि नई हेल्थ वगैरह को इम्प्रूव किया गया है, मतलब क्लिनिकल केयर को इम्प्रूव किया गया है। इसके साथ ही रिसर्च को भी इसमें ऐड कर दिया गया है, यूजर फ्रेंडली माहौल को भी यहाँ पे बात की जा रही है, और सेक्सुअल हेल्थ को भी इसमें ऐड किया गया है, ताकि नए स्टैंडर्ड्स के तहत अच्छा रिजल्ट है हेल्थ का वो देखा जा सके। तो ये तो थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन, एक बार हल्के से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था बैंक बोर्ड ब्यूरो, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, नाइक कमेटी के सुझाव पर बनाया गया था, मिशन इंद्रधनुष प्लान के तहत डिजिटल इंडिया का एक पार्ट है। काम क्या है, बैंकों के अंदर गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, कौन से, पब्लिक सेक्टर बैंक, ये ध्यान रखना। इसके बाद में बात आती है BPO प्रमोशन स्कीम, जो कि एक्चुअली आपको बताया कि डिजिटली इंडिया का ही एक इनिशिएटिव है, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड में एक्स्ट्रा फोकस किया गया, लगभग 1.5 लाख के आसपास नई जॉबों क्रिएट होंगी। बिजनेस प्रमोशन स्कीम, सॉरी BPO प्रमोशन स्कीम में क्या क्या होगा, इसमें मेनली जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो होती है स्कीम वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया था कॉल सेंटर वाली जॉब्स, उनको ज़्यादा क्रिएट किया जाएगा ताकि लोगों को अच्छे से रोजगार वगैरह मिल सके। इसके बाद में बात आती है यहाँ पे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। तो ये 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे के आधार पे, है क्या, लोकेशन किसने होस्ट किया इसको, इसको होस्ट किया गया था इक्वाडोर के द्वारा, थीम थी लैंड हैज ट्रू वैल्यूज इन्वेस्ट इन इट, तो ये हमें ध्यान रखना था। इसके बाद में बात आती है, मैंने आपको एक वर्ड बताया था लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, तो वो हमने यहाँ पे देखा। इसके साथ हमने डेयरी के बारे में जाना, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस जो कि एंटी स्मगलिंग एजेंसी है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, कोप कनेक्ट था वो एक तेलंगाना का मोबाइल एप्लीकेशन था पुलिस का, इसके साथ ही मेरा आईसीडी 11 जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो ये तो थी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। हाँ, आपको एक इन्फॉर्मेशन ये बताना चाहूँगा कि जो PDF है उसका कुछ इश्यूज हो रहा है, तो आप प्लीज़ फेसबुक में मैं PDF डायरेक्टली अपलोड कर देता हूँ, तो जो आपको नीचे जो फेसबुक पेज का लिंक है वेल आप सर्च कर सकते हो फेसबुक पे वेलकम UPSC के नाम से, और वहाँ पे आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि अभी वेबसाइट में कुछ इश्यूज वगैरह हैं वो थोड़े चल रहे हैं।